हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एक्मे कॉमर्स अकेडमी। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डू बिजनेस अकाउंटिंग, जिसका थर्ड चैप्टर, दैट इज लास्ट चैप्टर, विच इज ऑन द पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ इसमें आज हम बात करेंगे ऑन पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। नाउ व्हाट इज पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश? इन स्टैंडर्ड 12th आप लोगों ने रिजोल्यूशन पढ़ा होगा। डिसोल्यूशन में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वी रियलाइज एसेट्स, और एसेट रियलाइज करके जो हमारे पास कैश आता है, आउट ऑफ दैट वी पे लायबिलिटी। सो आज के सेशन में पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, ना? क्योंकि जब तक ये हमें समझ में नहीं आएगा तो हम पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो सम्स है वो प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे। तो आज पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, types of liabilities। See, liabilities are mainly divided into external liability and internal liability, internal liability। और इसका एक थर्ड पार्ट है जो कि कैपिटल है, कैपिटल विच इज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर। नाउ एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज प्रेफरेंशियल लायबिलिटी, प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज। सेकंड जो है वो है सिक्योर्ड लायबिलिटीज एंड अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज। अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज में क्या आएगा? पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन। नाउ सी प्रेफरेंशियल लायबिलिटी। Now, preferential liability कौन सी liability है? To whom we are going to give first preference while making payment? Asset realized हुई, ऐसे सबसे पहले हम किसको pay करेंगे? Preferential liability। Now, preferential liability में क्या आता है? Mainly government dues। Like for example, firm का income tax pay करना है, या तो GST pay करना है, या तो ये जो भी government के dues है वो preferential liability। तो आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सबसे पहले हम किसको पे करेंगे? पहले हम पे करेंगे प्रेफरेंशियल लायबिलिटी। जैसे एसेट रियलाइज हुई, फर्स्ट प्रेफरेंशियल लायबिलिटी पे करेंगे, उसके बाद में गवर्नमेंट ड्यूज, उसके अलावा जो सैलरीज, वेजेस, जो एम्प्लॉय ड्यू है वो भी प्रेफरेंशियल लायबिलिटी में आएगा। सिक्योर्ड लायबिलिटी means liability against which we have given some security। For example, plant and machinery is secured against land and building। तो land and building को जो हम land and building से जो पैसा आएगा हमारे पास, cash आएगा, उसमें से हम क्या pay करेंगे? Secured liability। तो secured liability में क्या क्या आ सकता है? Bank loan आ सकती है, bank loan, bank overdraft, डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर होते हैं वो सब। एंड अनसिक्योर्ड लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी अगेंस्ट विच वी हैव नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर ऑलवेज अनसिक्योर्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अनसिक्योर्ड। सो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड बैंक ओडी, बैंक ओडी कभी अनसिक्योर्ड भी हो सकता। So, ये preferential liability, secured liability and unsecured liability। Internal liability में क्या आएगा? Partners loan, partner का जो भी loan होगा वो loan उसको pay करना पड़ेगा। So, I hope अभी तक सब समझ में आया होगा। Then again इसके बाद हम क्या start करेंगे कि what is the order of payment?
now let us start with the order of payment. किसको हम पहले पे करेंगे, किसको बाद में पे करेंगे? सबसे पहले as soon as the assets are realized, सबसे पहले हम क्या करेंगे? Provision of realization expenses. Provision of realization expenses. Realization expenses का पहले provision करेंगे. उसके बाद में number two पे हम किसको pay करेंगे? Preferential creditors. Preferential creditors को pay करेंगे. Preferential creditor को pay करने के बाद we will pay secured creditors. So first किसको pay करेंगे? First we will make provision for realization expenses. Second number पे we will pay preferential creditors. Third number पे we will pay secured creditors. Fourth number पे we will pay unsecured creditors pay करने के बाद we will pay partners loan. Partner ने अगर loan provide किया है तो partners loan. So partner loan payment should be made. Partners loan. Partner का loan pay करने के बाद what we will do? We will pay surplus capital. Surplus capital. अब ये surplus capital क्या होता है इसके ऊपर मैं आता हूँ. Surplus capital. उसके बाद में हम pay करेंगे proportionate capital. Proportionate capital. और उसके बाद में जो cash बचेगा it will be distributed to partners in their profit sharing ratio. So balance. If any must be distributed in profit sharing ratio. So order of payment क्या है? सबसे पहले provision of realization expenses, then your preferential creditors, उसके बाद में secured creditors, उसके बाद में unsecured creditors को pay करेंगे. After that we will pay partners loan if any. उसके बाद में surplus capital pay करेंगे, फिर proportionate capital pay करेंगे, और उसके बाद में जो भी balance बचेगा please cash will be distributed to partners in their profit sharing ratio. So I hope it is clear order of payment. Okay. Okay. अब हम start करते हैं how to find out surplus capital and proportionate capital. ये सबसे important. क्योंकि अगर आपका सरप्लस कैपिटल और प्रोपोर्शनल कैपिटल अगर रॉन्ग हो गया तो तुम्हारा पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. सो प्लीज पे अटेंशन. सो हाउ टू कैलकुलेट सरप्लस कैपिटल? अभी इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखें. आपका पेज नंबर 3.26 टेक्स्ट बुक का उसमें ये एग्जांपल दिया है, नॉट इलस्ट्रेशन, एग्जांपल दिया है. तो वो मैं आपको शो करता हूं कि सरप्लस कैपिटल के सही हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे. सो स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल.
ओके। अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया है, ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3, and 1/6। क्या रेशियो है? 1/2, 1/3, and 1/6। तो हाईएस्ट डिनोमिनेटर क्या है? 6 है। तो अभी ये 2 को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/3, इसको 2/2, और इसको 1/1। सो 3/6, 2/6, एंड 1/6, ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ, देखो नीचे बैलेंस शीट में दिया है कैपिटल बैलेंसेस। सो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल बैलेंसेस, कैपिटल बैलेंसेस। अरे देखो ए का कैपिटल है 30,000, बी का कैपिटल भी है 30,000, और सी का कैपिटल है 20,000। अब इसके नीचे क्या लिखना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। सो 3, 2, and 1। अब हमें क्या मिलेगा? यूनिट वैल्यू 30,000 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आया? 10,000। 30,000 डिवाइडेड बाय 2, 15,000, और 20,000 डिवाइड बाय 1, 20,000। अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट बेस लेंगे, सबसे छोटा बेस किसका है? ए का है 10,000। सो टेकिंग एज कैपिटल एज बेस, बेस, सो अब क्या करेंगे? ये जो स्मॉलेस्ट बेस है इससे ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 10,000 × 3 कितना हुआ? 30,000। 10,000 × 2 20,000, एंड 10,000 × 1 10,000। अब यहां अपने को क्या आया? देखो यहां 30 - 30 नील हो गया, एक का कैपिटल नील हो गया। 30 - 20 10,000, एंड 20 - 10 10,000। तो ये क्या मिला आपने को? सरप्लस कैपिटल, सरप्लस कैपिटल। अब ये जो तीन पार्टनर है ना, ये तीन में से दो का बैलेंस नील होना चाहिए, सरप्लस एक का ही आएगा। तो यही प्रोसेस वापस नीचे कंटिन्यू कर। तो अब यहां पे वापस लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ए का तो नील हो गया है, इसका कितना है? 2, और इसका 1। अभी हम फाइंड करेंगे यूनिट वैल्यू, यूनिट वैल्यू। 10 / 2 5,000, एंड 10,000 / 1 10,000। अभी इसमें किसका बेस छोटा है? बी का 5,000। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेस बी, बेस बी 5,000 × 2 10,000, एंड 5,000 × 1 5,000। 10 - 10 नील हो गया, 10 - 5 5,000। ये क्या आया? एब्सोल्यूट सरप्लस, एब्सोल्यूट सरप्लस, राइट? अभी इसका हम सम में कैसे यूज करेंगे? तो जितने भी लायबिलिटी पे करने के बाद, पहले प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करेंगे, उसके बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उसके बाद में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, उसके बाद में पार्टनर्स लोन, उसके बाद में क्या पे करेंगे? सरप्लस कैपिटल। तो पहले किसको पे करेंगे? सी का सरप्लस पे कर देंगे। सरप्लस पे करने के बाद किसको पे करेंगे? प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बी और सी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल है उसको पे करेंगे। वो सब पे होने के बाद
जितने भी पार्टनर है उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाकी का कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर, एकदम सिंपल है। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अकाउंटिंग नहीं है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट याद रखो और इसकी प्रैक्टिस करो कि सरप्लस कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। योर सम इज डन, 15 मार्क्स, बहुत इजी है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, अभी इसके आगे हम एक सम करेंगे और एक दो प्रैक्टिस करते हैं इसकी, और फिर टुमारो कल के सेशन में हम सम स्टार्ट करेंगे। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट सरप्लस कैपिटल। सी एग्जांपल टू, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु आर शेयरिंग इन द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए का कैपिटल दिया 50,000, बी का 34,500 एंड सी का 29,500, जनरल रिजर्व दिया 10,000। अब यहां पे ये समय जनरल रिजर्व भी दिया है, तो जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो पहले कैपिटल बैलेंसेस है हमारे 50,000, 34,500 एंड 29,500 कैपिटल बैलेंस एंड जनरल रिजर्व। जब भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, तो जैसे हम नॉर्मली प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वैसे ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे होगा, मतलब दैट इज एसेट साइड, तो वो क्या है, लॉस है, तो लॉस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो नाउ जनरल रिजर्व 5:3:2 के रेशियो में जनरल रिजर्व दिया है 10,000, सो 5:3:2 बराबर। तो यहां पे क्या आएगा, एडजस्टेड कैपिटल 50 + 5 = 55,000, 34,500 + 3 = 37,500 and 29,500 + 2 = 31,500. Right? Now profit sharing ratio 5:3:2। अब आएगा हमारा यूनिट वैल्यू 55/5, सो 11,000, 37,500/3, सो 12,500 एंड 31,500/2, 15,750 बराबर। ओके, नाउ प्रोपोर्शनेट कैपिटल अब यहां देखो बेस किसका छोटा है, ए का, सो बेस ए, तो अभी इससे बाकी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, तो 11 × 5 = 55,000, 11 × 3 = 33,000 and 11 × 2 = 22,000, 55 - 55 = 0, 37,500 - 33,000, so 4,500 and 31,500 - 22,000 = 9,500, ये आ गया हमारा सरप्लस कैपिटल। यही प्रोसेस कंटिन्यू करनी है फिर से यहां पे क्या आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
3:2. So अब यूनिट वैल्यू आएगा, यूनिट वैल्यू 4500 डिवाइड बाय 3 1500 और 9500 डिवाइड बाय 24750. सब आ जाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल. प्रोपोर्शनेट कैपिटल कौन सा है? बेस बी 1500 इंटू 3 4500, 1500 इंटू 2 3000. सो 4500 माइनस 4500 नील एंड 9500 माइनस 3000 6500 हमारा क्या आया? एब्सोल्यूट सरप्लस. एब्सोल्यूट सरप्लस क्लियर. सो सारी लायबिलिटी पे करने के बाद पहले क्या पे करेंगे? सी को 6500, उसके बाद में ए और बी और सी को 4500 और 3000, उसके बाद में जो भी कैश बचेगा वो तीनों पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. आया समझ में? सो आई होप आज का ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.